हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक देखेंगे आपका कि भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस है आपके एग्जाम में, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपके भारत में प्रथम पुरुष थे वो सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और बात करें अगर भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों ये भारत रत्न जो होता है आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। अगला आपका, और दोस्तों ये आपका एकमात्र पुरस्कार ऐसा है जिसको कि आपका वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन थे, तो दोस्तों ये आपको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये थे आपके श्री शंकर कुरूप। और बात करें आपकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनकी कृति आपकी गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। और दोस्तों के बारे में इसी ध्यान रखनी है आपको, जो आपका राष्ट्र गीत है यानी राष्ट्रगान है आपका जनगणमन, वो आपका इन्होंने गाया है। ठीक है, अगला आपका कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, तो ये थे दोस्तों आपके सी वी रमन, जिनको कि आपका भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपके प्रथम वैज्ञानिक थे। अब बात करें पहले व्यक्ति, तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय। ठीक है, और बात करें पहले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, तो वो थे आपके सी वी रमन, इनको भौतिकी दिया गया था आपका 1930 में, किस खोज के लिए, आपके रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए। अगला देखते हैं आपका कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके विनोबा भावे। अगला आपका कि भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके जेम्स ए हिक्की। और बात करें भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये भी आपके जेम्स ए हिक्की ही थे। अगला आपका कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपके वो थे दादा भाई नौरोजी, जो कि आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला आपका कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी कि आपका जो आपके अकेला होता खेल, उसकी बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे आपके अभिनव बिंद्रा, इन्होंने आपके 10 मीटर एयर राइफल में खिताब जीता था, ये आपका एयर राइफल में। और दोस्तों इस उन्होंने कौन से ओलंपिक में जीता था ये आपका स्वर्ण पदक, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला आपका कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो थे आपके राकेश शर्मा। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो ये थे आपके मिहिर सेन। अगला देखते हैं आपका कि आईसीएस यानी कि सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगले हैं आपके कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके। और बात करें भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो ये थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों ये आपके कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए वीडियो नीचे। ठीक है, अगला आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये भी दोस्तों बताया स्टार्टिंग में आपको कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे, पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं आपके गृहमंत्री कौन थे, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। अगला आपका कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये थे दोस्तों आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। और बात करें भारत के पहले चुनाव आयोग, तो ये थे आपके सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे आपके हीरेलाल जे कानिया। अगला आपका दोस्तों, ये वीडियो देख के आप नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा आपको कि जितना आपको नोट्स बनाओगे, कम से कम आपको 50% नोट्स बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। अगला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष बने आपके, वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये दोस्तों आपके व्योमेश चंद बनर्जी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपके 1885 में। किसने की थी, ये की थी आपके ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जिन्होंने जो आपके व्योमेश चंद बनर्जी थे,
ठीक है, ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहला सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका 1885 में, और कहाँ हुआ था? ये आपका बंबई में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाए जाएंगे तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा उसमें। अगला देखते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये आपके तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। और कहाँ हुआ तीसरा अधिवेशन? 1887 में हुआ था। ये आपका हुआ था मद्रास में। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन भारत की स्वतंत्रता को का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे आपके हसरत मोहानी। अगला आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके जॉर्ज यूले। और इन अध्यक्षता कब की थी? इन्होंने की थी आपके 1888 में। ठीक है, सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके इलाहाबाद में हुआ था। और कौन सम्मेलन था? ये आपका चौथा सम्मेलन था। ठीक है, यानी कि चौथा सम्मेलन था आपका, जिसकी अध्यक्षता आपकी जॉर्ज यूले ने की थी, यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाए थे उसमें आपका सारा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अगला आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी वो भी आपके इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है, और अगला है आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और बात करें आपकी स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था? तो वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाता आपसे इस क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन है। अब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य होंगे। अगला आपका कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके प्रकाश पादुकोण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके भारत के प्रथम पुरुष थे वो मैंने आप इस वीडियो में सभी कवर करा दिए हैं। और दोस्तों जो कुछ आपको रह जाएगा तो वो आपको जो करंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपका जो भी पिछले एक साल में जो चर्चा में रहेंगे प्रथम भारतीय वो आपको सब कवर करा दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जहाँ पर कि आपको डेली 3 वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक तो आपको सुबह 6 बजे वीडियो मिलता है, या तो आपको मैथ का मिलेगा या आपको मिलेगा रीजनिंग का, इन दोनों से आपको कोई एक वीडियो मिलेगा। ये आपको हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं। ठीक है, और बात करें दोपहर 12 बजे की, तो दोस्तों यहाँ वीडियो मिलेगा आपको जीके का या आपका जीएस का। और बात करें शाम के 6 बजे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्टैटिक जीके के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको लगभग 50 वीडियो कवर कराए जाएंगे। ये मतलब अगर आपके रेलवे एनटीपीसी में आपके 40 क्वेश्चनों में से, ठीक है, कम से कम आपको 15 क्वेश्चन इन्हीं 50 वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसमें कि आपका जो आपको जीके जीएस होता है उसका भी लगभग आधा पार्ट आपका कवर हो जाता है स्टेटिक जीके में। यानी कि स्टेटिक आपको होता क्या है कि जो चीज़ आपको जल्दी चेंज ना हो। ठीक है, कि जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री, ये कभी चेंज तो होने वाले हैं नहीं आपके। ठीक है, और जो संविधान के अनुच्छेद हैं ये भी आपको जल्दी चेंज नहीं होते हैं, तो ये सभी आपके स्टेटिक जीके में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।